हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लॉकडाउन के बाद से केरल में फंसे लोगों ने प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने घर भिजवाने की अपील का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। खुद को केरल में कपड़ा कारोबारी बता रहे हैं वीडियो में दिखने वाले पीड़ित। पीड़ितों ने वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। हमको सिर्फ परेशानी इतनी है, हम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के रहने वाले हैं। गांव हमारा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर और तहसील अनूपशहर डाकखाना मलकपुर गांव सुनाई के रहने वाले हैं। केरला के अंदर हम काम करते हैं कपड़े का, और हमको यहां बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने के लिए राशन भी नहीं है। हम पुलिस स्टेशन भी गया, म्यूनसिपालिटी ऑफिस भी गया, दो तीन जगह गया, सब लोग ये बोलता है कि तुमको हम खाने के लिए देगा, पीने के लिए देगा, तुम यहीं रहो। तो हमको सिर्फ एक टाइम खाना दिया है, 7 दिन हमको हो चुके हैं यहाँ पे खाने का इधर उधर से जुगाड़ चला रहा है जो के। और हम केरल के अंदर रहते हैं, हमारा केरल के अंदर डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम है, टाउन का नाम आलुआ है। और जो हमारे यहाँ के पड़ोसी लोग हैं जानकारी वाले, वो हमको कभी चाय दे देता है, कोई बिस्कुट देता है, कोई नमकीन देता है, ऐसा अपना गुजारा कर रहा है। और हमको अपने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि वो हमको अपने गांव पहुंचा दें। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तहसील अनूपशहर, डाकखाना मलकपुर, उत्तर प्रदेश के यूपी के रहने वाले हैं। और हमको योगी जी से यही कहना है कि हमको यहां से केसी भी करके हमको बुला लें। और मेरे पास कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि उनको खाना कितना भी खिलाओ वो खाना नहीं खाते हैं, बोलते हम घर चले जाएंगे, खुद पर अपने आत्महत्या कर लेंगे। जनपद के अनूपशहर थाना क्षेत्र के मलकपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं वायरल वीडियो में दिखने वाले लोग। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ रिशाद गाजी, Time 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।